आज की मेरी रेसिपी है मटर पनीर। यहाँ पे मैंने पीले वाले मटर लिए हैं, इसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कर्ड लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने एक बड़ा प्याज को कट कर लिया है क्यूब्स में, एक बड़ा टमाटर इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, पनीर इसे भी मैंने क्यूब्स में ही कट किया है, और यहाँ पे मैंने चार बड़े हरे मिर्च लिए थे, इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। और मसालों में मैंने लिया है जीरा, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। तो सबसे पहले हम मटर को बॉईल कर लेंगे। कुकर में हम सारे मटर को डाल देंगे, नमक, हल्दी और 2 कप पानी। अब हम कुकर को बंद कर लेंगे और इसे 2 सीटी लगने तक पका लेंगे। मटर बॉईल हो गया है, अब हम इसे अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने को रख दिया था, मैंने इसी ऑयल में पनीर को फ्राई किया है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप पनीर को बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, हम इसे पहले घोल लेंगे। प्याज हमारा भुन गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे थोड़ी देर भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर गलने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक। नमक ध्यान देंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला है नमक, साथ ही स्वाद अनुसार भी नमक डालें। मटर में मैंने नमक थोड़ा सा ही डाला था, ज्यादा नहीं डाला था। मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद अब हम इसमें जो मटर बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे। मटर और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। दही हमें ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये पूरा खट्टा हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। मटर हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मटर पनीर को हम एक बार चेक कर देते हैं। मटर पनीर
पनीर हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम इसे सर्व कर देंगे।